नमस्कार दोस्तों, टुमारोज़ कॉल्स में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और tradingteacher.in में सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आनंद ज्ञानबोटे, टुमारोज़ कॉल्स के लिए कल का डेट है 14/8/2017 और उसके बाद 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को मार्केट बंद रहता है तो उस दिन कॉल्स नहीं आएंगे। तो 14 अगस्त के लिए जो कॉल्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले हम एनालिसिस करेंगे कि जो भी फ्राइडे के कॉल्स थे वो कैसे रहे, और चार्ट्स दिखाकर मैं उसका एनालिसिस करना चाहूँगा। तो कुछ कुछ लोग बोल रहे कि सर चार्ट्स दिखाओ, तो चार्ट्स में दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैंने इन्फोसिस का 10 मिनट का चार्ट ओपन किया है। जो पहला कॉल था अपना इन्फोसिस का, मैंने बाइंग की सजेस्ट किया था, 974 के आसपास बाइंग सजेस्ट किया था। तो उसी टाइम पर बहुत सारे लोगों ने इसको उठाया है और अपना स्टॉप लॉस 967 का था। तो ये स्टॉक शायद पहले कुछ 10 मिनट में 970 के आसपास था, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इसमें बाइंग किया है और कुछ ही मिनट में अपना पहला टारगेट और दूसरा टारगेट भी आया है 997 का, और अच्छा प्रॉफिट इसमें बुक किया है। देखो मार्केट तो आपको पता है, मार्केट निफ्टी डाउन ट्रेंड में है और उस पर भी बाई कॉल्स निकालना बहुत थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ट्रेडिंग टीचर के साथ में आप सब लोग प्रॉफिट कर रहे हैं और आप लोगों की दुआओं से मैं अच्छा काम कर रहा हूं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप दुआ करें कि मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे कॉल्स निकालो। तो इन्फोसिस में अच्छा टारगेट आया है अपना, अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। हालांकि मैं थोड़ा एग्ज़ाम के वर्क में बिज़ी था, मैं इक्विटी में एक भी ट्रेड नहीं कर पाया मैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट इसमें बुक किया है। ठीक है, तो दूसरा है UPL। तो UPL का चार्ट मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। UPL का चार्ट अभी लोड हो रहा है। UPL का कॉल मैंने आपको दिया था डेली के हैमर के इसके ऊपर। मैं आपको वन डे का चार्ट दिखाता हूँ यहाँ का, यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एक कैंडल है यहाँ पर, एक कैंडल यस्टरडे का, तो एक हैमर आया था और बहुत ही नीचे आया था ये स्टॉक। मैंने 970 SL दिया था और तो ये अपना स्टॉक इंट्राडे के लिए चला नहीं था, मैं भी इस पर श्योर नहीं था, लेकिन आप इसमें एंट्री कब मार सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको इस स्टॉक में एंटर करना है तो ये जो हाई है 842 का, 842.80 मतलब 842 या फिर 43 के बाद आप इसमें एंटर करें। तो उसके पहले आप इसमें एंटर करने की गलती ना करें, तो आप और भी मतलब ये स्टॉक नीचे गिरने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक डोजी भी मिला है इस पर, डोजी, तो डोजी के बाद एक दो तीन दिन के बाद आप इसके ऊपर नज़र रखें। तो अगर 842 तोड़कर ऊपर जाता है तो आप इसमें एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं, और आने वाले दिनों में हम इस पर 900-950 या फिर 1000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये UPL होल्डिंग में आप देख लीजिए आपको कैसा लगता है। तो थर्ड कॉल था भेल का, यहाँ पर मैं भेल का चार्ट ओपन करता हूँ। चार्ट लोड होने में थोड़ा समय लगे रहा है। ये देखिए भेल, इसमें मैंने बाई का कॉल दिया, सॉरी भेल सेल का कॉल दिया था मैंने, और जैसे कि ये स्टॉक मैंने आपको बोला था कि 127 या फिर 128 और 129 के आसपास मैंने सेलिंग का रेंज सजेस्ट किया था। तो ये स्टॉक जहाँ पर खुला है शायद थोड़ा सा गैप डाउन 124 के आसपास ये खुला है स्टॉक, आप इसका ओपन प्राइस चेक कर सकते हैं। तो ये अपना रेंज में नहीं आया है, फिर भी लोगों ने इसमें ट्रेड किया है और उनका पोजीशन फंस गया, बहुत सारे लोगों का ट्रेड पोजीशन फंस गया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं रेंज बताता हूँ उसी रेंज में आप एंट्री करिए। तो ट्रेडिंग के लिए रश मत कीजिए, मार्केट कहीं भाग कर नहीं जाएगा। आप ट्रेडिंग में एंट्री में गड़बड़ ना करें तो आपकी पोजीशन फंसने की संभावना है। ठीक है, और गेल भी सेम एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। गेल का मैं चार्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए गेल ओपन हो रहा है चार्ट। गेल, अगर आप गेल का ओपनिंग प्राइस देख रहे हैं तो 355 के आसपास ये ओपन हुआ है, और मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से लगता है कि इसमें बुलिश किकर और पियर्सिंग पैटर्न वन डे पर दिख रहा है मुझे। तो आप कैंडलस्टिक
अगर आपको मालूम नहीं है तो मेरे कैंडलस्टिक के सीरीज़ है मराठी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप पूरा कैंडलस्टिक का सीरीज़ देख लें एक बार अगर आप कैंडलस्टिक में ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये कैंडलस्टिक सीरीज़ में बुलिश किकर के जैसा और पियर्सिंग पैटर्न जैसा मुझे दिख रहा है, तो ये स्टॉक अभी ऊपर की तरफ जाने की संभावना है। और अपना जो सेकेंड टारगेट था 355 का, उसी पर ये ओपन हुआ है। तो आप कब सेल करेंगे इसको? ठीक है, अगर आप, मैंने जो आपको रेंज बताया था 367 का, वो जो मिला है वो यहाँ पर मिला है आपको रेंज, ठीक है, 367 का रेंज आपको यहाँ पर मिला है। तो आपने मान लो कि इसको यहाँ पर सेल किया, ठीक है, 367 के आसपास। इसके बाद में ये स्टॉक 355.25 का लो बनाया है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें सेल किया था और वो अटक गए थे, और उन्होंने 100 क्वांटिटी किया था, उन्होंने 500 क्वांटिटी किया था, वो वहाँ पर वेट कर रहे थे। देखो, मेरा जो कॉल रहता है तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके, थोड़ा सा एनालिसिस करके मैं कॉल निकालता हूँ। तो मैं जो आपको रेंज बताता हूँ उसी के दौरान आप उसमें ट्रेड कीजिए, तो गड़बड़ी ना करें ट्रेड करने में, और मार्केट कहीं भाग के नहीं जाने वाला है। और मार्केट में बहुत सारा पैसा पड़ा है, उसको आपको उठाना है, आपको चुन चुन करके एक एक पैसे को उठाना है, ठीक है। तो आप ट्रेड रश मत कीजिए ट्रेडिंग के लिए कि कब मैं ट्रेड में एंटर करूँ, कब मैं घुसूँ मार्केट में। वो जल्दी से जल्दी आप घुस जाते हैं और रुकते भी नहीं हैं। 5 मिनट 10 मिनट में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं कि सर मेरा ऐसा ऐसा हुआ है तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो गड़बड़ी ना करें। और कुछ व्यूज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो ये चार्ट मैं ऐसे ही इसको ओपन रखता हूँ यहाँ पर। अपने अभिजीत बोल के एक सब्सक्राइबर है और केतन एक बोल के सब्सक्राइबर है। तो अभिजीत आरकॉम और सुजलॉन के ऊपर राय पूछ रहे हैं। यहाँ पर मैं आरकॉम का चार्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आरकॉम पहले मुझे ऐड करना होगा, आरकॉम और HDFC बैंक में यहाँ पर ऐड करता हूँ, HDFC बैंक और सुजलॉन, ठीक है। आरकॉम पर और सुजलॉन पर अभिजीत सर ने राय पूछी है, जो हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर है, और उन्होंने एक ऐसी जगह पर बाइंग की है। उनका रेट मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उन्होंने मुझे बताया है कि कौन से रेट पर उन्होंने एंटर किया है। तो ये स्टॉक जो है, यहाँ पर मैं डेली चार्ट ओपन करता हूँ इसका, उन्होंने इसमें होल्डिंग किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये आरकॉम जो है, इसमें मैंने लेवल्स निकाले हैं, 18 तक के इसके लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर एक हैमर आया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऊपर की ओर नहीं आएगा। ये 18 तक के लेवल तक आप इसको वेट करें, होल्ड करें। अगर ये स्टॉक 18 से क्योंकि 18 के पास इसका एक सपोर्ट है, आप मेरा सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। 18 के आसपास इसका सपोर्ट है, और वहाँ से अगर वो ऊपर की ओर आपको एक हरा कैंडल दिखता है 18 तक रीच होने के बाद, उसके अगले दिन के बाद, तब आप उसमें बने रहें। तब आपको थोड़ा सा आपका जो पोजीशन है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में निकालने में आपको मदद मिल जाएगी। तो आप इसको होल्ड करें और टेंशन ना लें। तो ये आरकॉम अभी पेनी स्टॉक बन रहा है, अगर एक आधा स्टॉक 20 से नीचे जाता है तो उसमें पेनी स्टॉक में वो चला जाता है, इसमें ट्रेडिंग पर थोड़ा सा इतना मोमेंटम नहीं मिलता, और ये स्टॉक आने वाले दिनों में ज़ीरो भी हो सकता है। तो 18 लेवल जो है वो ध्यान में रखें और उसी के दौरान इस पर नज़र रखें आरकॉम। और मैं अपने जो ट्रेडर्स है जिसका इसमें पोजीशन नहीं है, तो आप इससे दूर रहिए, ठीक है, इस स्टॉक से दूर रहिए। और सुजलॉन का चार्ट हम यहाँ पर ओपन करेंगे। इसका भी करंट प्राइस है 15.25, ठीक है। तो ये स्टॉक अभी डेली चार्ट के हिसाब से उन्होंने भी इसको थोड़ा सा जो इनका प्राइस है, खरीद प्राइस, तो वो भी मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में 19.70 तक आ सकता है, ठीक है। तो ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है और ऊपर आने की इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो आप इसमें, मैं इसमें आपको एग्ज़िट की सलाह देता हूँ। स्विट्ज़रलैंड में बने रहने में कोई मतलब नहीं है, आप लॉस बुक करके इससे निकल जाएं। और किसी अच्छे स्टॉक में, जो फिर मेरे होल्डिंग कॉस्ट निकालता हूँ या फिर मेरे इंट्राडे ट्रेड्स है, उसके आप ऊपर ट्रेडिंग करके अपना लॉस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभिजीत सर के लिए ये राय थी मेरी। और HDFC जो है, HDFC बैंक, इसका चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इनको 1750 का स्टॉप लॉस देके होल्ड करने को बोला था, तो 1749 अभी आया है मार्केट में, और
इनको मतलब होल्ड करना है, और यहाँ पर आपको एक डोजी मिल रहा है, मतलब अभी मार्केट नीचे की ओर से आ रहा है और इसका जो सपोर्ट है तो यहाँ पर एक सपोर्ट है इसका इस लेवल पर 1725 या फिर 20 तक आप इसको होल्ड करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बाउंस करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डोजी आया है वो ग्रीन कलर का डोजी आया है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से बाउंस होने की संभावना है। तो 1725 और 1720 की लेवल आप ध्यान में रखें, और अगर ये लेवल टूटती है तो इससे निकल जाएं तो ये और नीचे और भी नीचे जा सकता है। और आप अगर आपके पास इतना मार्जिन है तो अगर ये 1720 का लेवल टूटकर नीचे जाता है तो आप फ्यूचर में इस पर एक सेलिंग करके बैठ सकते हैं आराम से, तो आपका पूरा का पूरा लॉस इसमें कवर हो सकता है और ये स्टॉक फिर से 1600 या फिर उसके भी नीचे हमें देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक अभी इस पर आप नज़र रखें, वेट करें, और जो भी नए ट्रेडर्स है इसका 1760 के अगर ऊपर जाता है तो इसमें बाइंग का एंट्री आप मार सकते हैं, ठीक है। अगर जिनका पोजीशन इसमें नहीं है वो लोग 1760 का लेवल ध्यान में रख के और वहाँ पर नई बाइंग की पोजीशन आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो अपने केतन सर के लिए ये राय थी मेरी। तो अब हम चलते हैं अपने टुमारोज कॉल की तरफ, ठीक है। तो टुमारोज कॉल्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, और अपना कमोडिटी का सीरीज चल रहा है तो आज मैं और एक अपना कॉपर के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसे भी देखना ना भूलिए, ठीक है। तो उसमें भी कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। टुमारो के लिए एरो फार्मा और एक्सिस बैंक मैंने बाई के लिए निकाले हैं दो कॉल्स, ठीक है, और हिंडालको और लार्सन एंड टर्बो LT वो सेल के लिए निकाले हैं। तो इसका एंट्री रेंज ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ी मत कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने के भी मतलब बहुत लोगों को जल्दी होती है कि कब मैं टुमारो कॉल्स देखूँ, और जो मैं पहले शुरुआत में बताता हूँ उसको वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। तो एरो फार्मा में अभी करंट प्राइस है इसका 705 पे इसने क्लोज दिया है, और आपको इसको एंट्री लेना है बाइंग के हिसाब से 702 या फिर 703। अगर इसके नीचे भी अगर आपको ये मिलता है तो भी आप इसमें बाई करिए, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 690 के आसपास है, 689 और 690 के बीच में आप इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। और इसमें मैं आपको एंट्री के लिए पहला टारगेट दे रहा हूँ 712 का, 712 का, और दूसरा टारगेट दे रहा हूँ 719 का। हालांकि 719 से भी वो ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि 719 के आसपास आप अपनी पोजीशन पूरी की पूरी क्लोज कर दें, ठीक है। और निफ्टी के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलूँगा, निफ्टी जो है वो मंडे को थोड़ा सा रिकवर कर सकता है, थोड़ा सा रिकवर कर सकता है, और बाद में फिर से अपना जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो निफ्टी मतलब आपको अगर निफ्टी ग्रीन में दिख रहा हो तो निफ्टी में भी ऑप्शन का बाइंग करना या फिर निफ्टी फ्यूचर में बाइंग करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो फिर से नीचे जाने की संभावना है। और फंडामेंटली देखें तो कोरिया और मतलब नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया बोलते हैं उसको, और अपना जो US है डोनाल्ड ट्रंप, उसमें कुछ तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, और तो इसके हिसाब से पूरा मार्केट में इन्वेस्टर जो है वो उसमें फियर आता है। और एक बहुत सारे स्टॉक में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हालांकि फार्मा सेक्टर में आप इसमें थोड़ा सा बाइंग का सिग्नल ढूंढिए और आप इसमें बने रहें बाइंग में, ठीक है। तो एरो फार्मा का जो मैंने बता दिया, एक्सिस बैंक जो है वो भी बाइंग के लिए निकाला है मैंने, इसका करंट क्लोज है 489 का। आपको इसको इसमें बाइंग करना है 486 से लेकर 488 या फिर 489 तक भी आप इसको बाई करेंगे तो भी चलेगा, और अगर गैप अप ओपन होता है तो भी आप इसमें थोड़ा सा डाउन साइड देख कर बाई करिए। और 478 का SL मैं आपको दे रहा हूँ इसमें, और इसमें पहला टारगेट आएगा 496 का, दूसरा आएगा 499 का, और तीसरा आएगा 503 का। हालांकि तीसरा टारगेट इंटरडे में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट के ऊपर डिपेंड है वो तीनों टारगेट हिट करना है या नहीं करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 499 दूसरा टारगेट है, और अगर ये स्टॉक गैप अप खुलकर 499 या फिर 496 तक खुलेगा तो आप इसमें बाई करने की गड़बड़ी ना करें, ठीक है। गैप अप मतलब कहाँ पर गैप अप होना चाहिए, 491 492 वहाँ पर आप उसको उठा सकते हैं। 496 या फिर 499 के बाद अगर आप इसको उठाओगे तो आपकी पोजीशन फिर से फंस सकती है, ठीक है। तीसरा कॉल है हिंडालको, हिंडालको का करंट क्लोजिंग है 221, और आपको इसको मैं सेल करने को बोल रहा हूँ 222 और 223 के आसपास। तो ये प्राइस आपको कल मिल सकता है 222 या फिर 23 का, इसके बीच में आपको इसको सेल करना है। और इसका SL जो है थोड़ा सा बड़ा है, 229.40 का SL है, तो 229.40 से लेकर 231 तक आप इसको SL कर सकते हैं। और इसका जो पहला टारगेट मैं इंट्राडे के लिए दे रहा हूँ वो है 218 का, और दूसरा है 216 का, ठीक है। और फ्यूचर में कोई अगर ट्रेड करता है तो वो अपने रिस्क पर
इसमें STBT कर सकते हैं, मतलब सेल टुडे बाय टुमारो ऐसा कर सकते हैं। और अगर उसमें होल्डिंग करना है फ्यूचर में तो 209 और 185 तक के भी लेवल सिंडल को में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि निफ्टी जो है वो अपना डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो वो निफ्टी अगर नीचे जाएगा तो वो सारे निफ्टी 50 के स्टॉक को नीचे ही लेकर जाएगा, ठीक है। और LT जो है तीसरा चौथा कॉल अपना सेल कॉल, इसमें ये गैप अप होने की संभावना भी है और गैप डाउन होने की भी संभावना है। इसका करंट क्लोजिंग प्राइस है 1132 के आसपास इसने क्लोज दिया है। आपको इसको सेल करना है 1134 से लेकर 1136-38 तक आप इसको सेल करिए, और SL दे रहा हूँ आपको मैं 1148 का, 1148 का, ठीक है। और इसका जो पहला टारगेट है 1123 का और दूसरा है 1118 का, ठीक है। तो ये भी अगर स्टॉक टारगेट के आसपास अगर खुल गया तो उसमें सेल करने की गलती ना करें, क्योंकि ये क्या मार्केट अभी कैसा है, मार्केट आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी में थोड़ा सा वोलाटिलिटी ज़्यादा है, लोग बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं, लेकिन मार्केट गिरते जा रहा है, ऐसा भी हो रहा है। तो क्वांटिटी कम उठाएं पहले ट्रेड करते समय, और अपनी पोजीशन जो जब भी आपको पोजीशन प्रॉफिट में आती है तो अपना जो SL है वो ट्रेल करें प्रॉफिट जोन में, ठीक है। और ट्रेनिंग के बारे में बताता हूँ आपको, ट्रेनिंग अगर किसी को चाहिए तो अपना वेबसाइट है, तो वेबसाइट पर जाए और रजिस्टर करिए। और एक अच्छा न्यूज़ दे रहा हूँ आपको मैं, मैंने एक निफ्टी का ट्रेंड बोल के एक मेरा लिंक है अपनी साइट के ऊपर, जिन जिन लोगों को चार्ट नहीं देखते वो निफ्टी का दिखने को नहीं मिलता है किसी के लोगों को, तो वहाँ पर निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी साइट पर, निफ्टी का चार्ट आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर कुछ भी आपके जो भी इंडिकेटर्स है वो आप उस पर लगा कर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो टुमारोज़ कॉल्स में इतना ही है, तो कल मिलते हैं टुमारोज़ कॉल्स में 16 अगस्त के कॉल तक, कॉल के लिए धन्यवाद।